जय हिंद दोस्तों, मैं सूरज उत्तेजा। आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणमिति पे। त्रिकोणमिति एक ऐसा चैप्टर है जिसका सिलेबस बिहार बोर्ड डायरेक्ट 10th में देता है। त्रिकोणमिति इसका मतलब होता है, त्रिकोणमिति जो होता है वो तीन कोणों की माप को दिखाता है। यानी आप अगर त्रिकोणमिति मैथ बनाने जा रहे हैं तो उसमें आप तीन कोणों की माप निकालिएगा, तीन भुजाओं की माप निकालिएगा, शीर्ष में क्या है कैसे है वो निकाल पाइएगा। देखिए, इसका कहने का मतलब है कि थोड़ा सा हम एक आपको एक पिक्चर दिखा रहे हैं, इस पिक्चर के माध्यम से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है कि एक यहाँ पर एक सोर्स उठाता है सबसे ऊपरी भाग और एक आधार उठाता है, और जहाँ से इसको मापन किया जा रहा है वो ये बीच की दूरी, ये बीच की दूरी, और ये इसको बोलते हैं कर्ण। हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं, जबकि इंग्लिश में इसको बोलते हैं, इसका संकेत होता है एच, एच यानी हाइपोटेनस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। जो इस पहाड़ की लंबाई है उसको हम पी से दिखाते हैं, इसको हम हिंदी में लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि इसके और इसके बीच की दूरी क्या होगी, तो इसको हम आधार बोलते हैं, और इसका संकेत होता है बी, बी यानी बेस, बी यानी बेस। तो आप देख रहे हैं कि इसको कर्ण, जिसको एच से संकेत होता है, इसको लंब बोलते हैं, इसका संकेत पी हो जाता है, और इसको आधार बोलते हैं, इसका संकेत बी हो जाता है, और ये हो जाती है आपकी कोण। इसमें तीन कोण होते हैं, दो कोण कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, 90 के दोनों कोणों का योग जो होना चाहिए वो 90 होना चाहिए। अगर मान लीजिए ये 30 है तो इस कोण का मान 60 होना चाहिए। ये दोनों कोणों का इस तरह से ही परस्पर चलते रहता है, और बाकी एक कोण जो होता है वो सम कोण होता है, यानी एक कोण कंपलसरी है कि वो 90 डिग्री का ही होना चाहिए। ठीक है, तो इतना चीज़ें समझ में आ गई, क्योंकि ये चीज़ें आप 6, 7, 8, 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ के बारे में जानकारी हो गई होगी। अब हम यहाँ पर क्या निकालने वाले हैं, देखिए इसमें से अगर मान लीजिए कि इसको भुजा बोलते हैं, इसकी तीन भुजाएं भी होती है, तीन शीर्ष भी होते हैं, तीन कोण भी होते हैं। ये चीज़ें बिहार बोर्ड हम कभी कभी पूछ देता है, ये उतना भारी मैटर नहीं करता। अगर आप त्रिकोणमिति का थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं तो आपको इसकी जानकारी बहुत अच्छा से होगी। ठीक है, तो हम क्या देखते थे कि एक ज्यामितीय तरीका होता है। ज्यामितीय तरीका में क्या होता है कि जैसे हम आपको एक कोण दिखाते हैं, चलिए इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं, हम आपको एक कोण दिखाते हैं। देखिए, बोर्ड चलाने का मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा नया है, इसलिए हम कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। देखिए, हम एक यहाँ पर एक कोण ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर ये कोण, अभी हम बोले थे इस कोण का माप जो होता है 90 डिग्री होता है, बाकी ये दोनों कोणों का जो माप होता है दोनों कोणों का योग 90 होना चाहिए। अगर हम इसे 30 मानते हैं तो ये 60 हो जाएगा, अगर हम इसे 45 मानेंगे तो ये 45 ही हो जाएगा, क्योंकि 45 और 45 90 होता है। तो इसमें यहाँ एक कोण बन रहा है, यहाँ भी एक कोण बन रहा है। इसको जो लंब है, इसको हम हिंदी में तो लंब बोलते हैं, पर इंग्लिश में इसका जो संकेत बनता है वो पी बनता है, और इसका जो संकेत बनता है वो एच बनता है, और इसका संकेत बी बनता है। चलिए, इतना तो ठीक है। अगर एक इसको एक तरीका होता है, ज्यामितीय तरीका से इसको सॉल्व किया जाता है। ये ज्यामितीय फार्मूला हम तब लगाते हैं जब हमें दो भुजाओं का मान, ठीक है, दो भुजाओं का मान दिया रहता है, और हम तीसरा भुजा क्या करते हैं, निकालते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में थोड़ा सा ले लेते हैं, चलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ें जानते रहना चाहिए, इससे क्या होता है कि हमारा नॉलेज बढ़ता ही है, घटता नहीं है। अगर मान लीजिए कि ये भुजा 3 है और ये भुजा 4 है, और इस भुजा की जानकारी लेनी है, तो हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र होता है कि एच का स्क्वायर, एच यानी कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा होती है, फिर होता है पी का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो इस फार्मूला के आधार पर जैसे ही हम सारे चीज़ों को पुट करेंगे और हमें एक आंसर आ जाएगा, और वो आ जाएगा इसका मान, जो चीज़ साइलेंट रहेगा, यानी जो चीज़ हमें पूछेगा हम उसका मान बहुत ही आसानी से क्या करेंगे, निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये मान नहीं आता और ये मान गायब है, यानी इसको निकालना है, और ये मान दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे
कि इसी ही फार्मूला में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। अगर हम पी को इधर लाते हैं और उसमें कोई भी मान यानी कि कोई भी चिन्ह चेंज नहीं करते, तो जो एच है वो इधर जाने के बाद इसको भी कोई चेंज नहीं करते, पर बी जो है वो चेंज हो जाता है, ये सभी चीज़ें। और इस तरह से हम बी हो, पी हो, एच हो, सभी का मान निकालते हैं। तो ये चीज़ पे हम बात नहीं करना चाहते, क्योंकि ये चीज़ें आप 6-7 में बहुत ही पहले पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम बात करते हैं मेन बेसिक पे कि जो त्रिकोणमिति है उसको कैसे बनाया जाता। देखिए उसमें तीन तरह के भुजाओं के नाम आते हैं, तीन, और उसके जस्ट उल्टा भी होते हैं तीन, यानी 6 भुजा। उसके पहले नाम जान लेते हैं। देखिए एक होता है साइन, ठीक है, इसको जो कोण होते हैं, जो कोण के मान होते हैं उसको हम ऐसे ही क्या रैंडम कोई भी नाम नहीं ले सकते कि 30 डिग्री का कोण, 40 डिग्री का कोण, 50 डिग्री का कोण। तो बार बार नाम लेते रहने से क्या होता है कि हम कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा नाम परमानेंट रखें, ठीक है, इसलिए हम उसको छीटा के नाम से डिनोट करते हैं। अगर कोई बोलता है छीटा तो इसका मतलब है कि वो छीटा का कुछ भी मान होगा उस कोण का मान हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम इसको बोलते हैं साइन छीटा। दूसरा जो कोण है वो है कॉट छीटा, चलिए इसको कॉस छोटा भी होता है, हम सबका नाम ले देते हैं सेक छीटा, थोड़ा सा अंदर कीजिए। और एक होता है साइन कॉस टैन, टैन छीटा, और एक होता है कॉस एच छीटा, ठीक है। तो ये 6 चीज़ें हैं और ये 6 चीज़ें के माध्यम से, ठीक है, यही 6 चीज़ों के माध्यम से हम त्रिकोणमिति में 3 जो 4 चैप्टर बिहार बोर्ड दिए हैं सारे चैप्टर सॉल्व हो जाते हैं। इसी में किसी को ऊपर, किसी को नीचे, किसी के साथ गुना, किसी के साथ वर्ग के साथ गुना, और यही सब की कर कर के हम पूरा मैथ को सॉल्व करते हैं। तो क्या ये इतनी भारी चीज़ें हैं जिसको हमको समझने में बहुत समय लगता है, और हम बिहार बोर्ड में क्या करते हैं कि एग्ज़ाम 20 से 25 नंबर का क्वेश्चन आता है और हम छोड़ के चले जाते हैं। तो इस चीज़ को हम आज भली भांति समझ लेते हैं कि आखिर ये चीज़ें होती क्या है और इसको बनाया कैसे जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा साइड में रखिए, ठीक है, इसको साइड में रखिए, और हम बात करते हैं अब कि ये अगर मान लेते हैं कि सबसे पहले हम साइन पे बात करते हैं कि साइन क्या होता है। देखिए अगर मान लेते हैं आप यहाँ पर खड़ा हैं, आप एक, चलिए इस कोण का भी एक नाम दे देते हैं, कोण का नाम देना बड़ा जरूरी होता है, ए बी और सी, ठीक है, कोण का मान दे दिए। अब थोड़ा सा इस चीज़ को बारीकी से समझिएगा, बस 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट में आप सब चीज़ समझ जाएंगे और ये पता कर लेंगे कि फिर इसको बनाया कैसे जाता है। एक आदमी है जो सी कोण पे है, चलिए एक आदमी है जो सी कोण पे है, ठीक है, तो उसके जो सामने वाली भुजा होती है, उसके जो सामने वाली भुजा होती है वो सम्मुख भुजा कहलाती है। किसी भी व्यक्ति को जिस कोण पे रखा जाता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा, अगर मान लीजिए कि कोण मेरा यहाँ है और हम सामने देखते हैं, तो सामने वाली जो भुजा है, सामने वाली भुजा क्या है, ए और बी है, तो वो हमारा लंब हो जाएगा, यानी पी हो जाएगा, संकेत के हिसाब से क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। अगर मानते हैं इसको साइन में पूछेगा, तो अगर पूछेगा कि साइन सी है, यानी कि साइन जो छीटा की जगह पर सी है, यानी कि जहाँ पर वो मान रखा जाएगा, वो जो एंगल उसका मान रखा जाएगा, अगर वो सी पे रखा जाए तो उसके सामने वाली जो भुजा हो जाती है वो क्या हो जाती है, सम्मुख भुजा हो जाती है। ये बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है, सम्मुख भुजा उसको बोलते हैं। तो सम्मुख भुजा जो है वो ए और बी है, यानी जिसको ये आपको दिखाएं कि सम्मुख भुजा ए और बी हो गई, ठीक है। उसका संकेत क्या बनता है, हम पहले ही बोले कि ये मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं है स्मार्ट बोर्ड पे, धीरे धीरे हो जाएगा, इसलिए हम सही चीज़ें नहीं लिखा पा रही है। तो उसके जो सामने वाली भुजा हो जाती है वो आपका संकेत के हिसाब से पी हो जाती है, और इसी भुजा के जो लगल भुजा होती है, संलगन, जिसको बोलते हैं संलगन भुजा, क्या बोलते हैं इसको, ये चीज़ों को बार बार दिमाग में रखिए कि कौन भुजा सम्मुख भुजा होती है और कौन भुजा संलग्न भुजा होती है। अगर ये चीज़ें आप दिमाग में रखते हैं तो आपका जो पहला चैप्टर है त्रिकोणमिति का वो तो उड़ता हुआ नजर आएगा, ख़त्म, समझिए ख़त्म, ठीक है। तो इतना दिमाग में रखिए कि जहाँ पर कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, जिस कोण पे रखा जाता है उसके जस्ट सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा, उसके लगल भुजा संलग्न भुजा। आप बोल रहे होंगे कि ये भी भुजा तो इसके लगल है, पर ये भुजा बड़ी है और इसका कोई अभी मान नाम उम नहीं रखते हैं, इसको हम सिर्फ कर्ण के हिसाब से ही दिमाग में
बैठा के रखते हैं, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करते, क्योंकि ये बड़ा व्यक्ति है, इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो समस्या भारी हो जाएगी। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि साइन साइन सी पे कोई व्यक्ति था तो उसके सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा हो गई, जिसको हम ए और बी से दिखाए हैं, और उसकी संलग्न भुजा जो हो गई वो क्या हो गई, बी सी, जिसका जो संकेत है वो बी हो गई। अगर हम इसको बोलेंगे तो ये सम्मुख भुजा होगी, फिर से इसको हम बार बार इसलिए फोर्स कर रहे हैं क्योंकि आपका सारा मैथ इसी छोटे से अंतराल में और ये छोटे से चीज़ों को समझने में ख़त्म हो जाने वाली है। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि साइन ए रखते हैं, यहाँ पर नाम जो रखते हैं वो साइन ए है, साइन ए कहने का मतलब है कि वो व्यक्ति यहाँ नहीं है, जो साइन वाला व्यक्ति है, जो साइन वाला मान है वो यहाँ नहीं है, साइन वाला मान कहाँ आके रखा गया, ए पे आके रखा गया। तो क्या इसके भी सामने वाली भुजा, जैसा इसका कहना है तो इसके सामने वाली भुजा क्या वो सम्मुख भुजा हो जाएगी, जी हाँ, अगर साइन का मान यहाँ रखा हुआ है तो इसके सामने वाली भुजा भी क्या हो जाएगी, अब ये संलग्न भुजा नहीं होगी, अब ये हो जाएगी सम्मुख भुजा, और इसके लगने वाली भुजा क्या कहलाएगी, संलग्न भुजा। ठीक है, तो बात यहाँ पर समझ में आ गया कि अगर साइन का मान यहाँ है तो इसके सामने वाली भुजा क्या, सम्मुख भुजा, अगर साइन का मान यहाँ है तो इसके सामने वाली भुजा क्या, संलग्न सम्मुख भुजा, समझ में आ गया। और उसके जस्ट जो लगल भुजा होगी संलग्न भुजा, अगर अब साइन का मान यहाँ है तो सम्मुख भुजा होगी और संलग्न भुजा ये हो गई। तो चलिए ये चीज़ समझ में आ गया, एक अब इसके कुछ फर्मू, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा इरेजर करते हैं, ठीक है, और इसको भी हटा लेते हैं, और कुछ सूत्र हैं, ठीक है, बस छोटा सा तीन चार, तीन से चार सूत्र आप उसको समझिए, और उसको याद करने के लिए किसी ट्रिक फ्रिक का प्रयोग मत कीजिए, ठीक है, पंडित बद्रीनाथ ये सब दिमाग में मत रखिए, इसको डायरेक्टली बोल रखिए कि इसका हमको प्रयोग करना है, हर जगह प्रयोग करना है, तो इसको कॉमेडी बना के मत चलिए, एक जो पढ़ाई को पढ़ाई के लेवल में रखिए, कॉमेडी के लेवल में करने की कोशिश नहीं कीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइन थीटा, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है वो पी बटे बी होता है, ठीक है, और एक है कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है बी, सॉरी यहाँ गलती लिखा गया, पी बटे एच, और कॉस बराबर जो होता है वो कॉस बराबर होता है बी बटे एच, ठीक है, एक होता है टेन, टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात कीजिए, टेन के बारे में बता दिए, कॉस के बारे में बता दिए, हम साइन के बारे में भी बता दिए, जस्ट देखिए टेन है तो जस्ट उसके जो अपोजिट एंगल बनते हैं वो बनते हैं बी बटे पी, यानी कि टेन के जस्ट अपोजिट, यानी जो टेन अगर बी का मान नीचे है टेन में तो वहीं पर कॉट में बी का मान कहाँ जाता है, ऊपर आ जाता है, चलिए ठीक है। उसी तरह से एक होता है कॉसेस, ठीक है, सॉरी कॉस, कॉस के उल्टा जो होता है वो होता है सेक, क्या होता है सेक, दिमाग में रखिएगा, कॉस के उल्टा क्या बन के आता है सेक, यानी सेक का भी मान क्या होता है कि जहाँ पर बी ऊपर था वहीं पर बी कहाँ चल जाएगा, नीचे, और जहाँ पर एच नीचे था वहीं पर एच कहाँ चल जाता है, ऊपर। अब बचा क्या, छः गो थे साइन, साइन को कॉस के उल्टा हो गया, चलिए टेन कॉट के उल्टा हो गया, और यहाँ पर बचा कॉस, क्या बचा, कॉस सेक उल्टा हो गया, तो साइन, सॉरी सॉरी साइन तो बचा ही, साइन तो सॉरी साइन कॉसेस को उल्टा हो गया, देखिए ये जो दो त्रिभुज है इसके माध्यम से समझना चाहते हैं कि आखिर साइन का मान यहाँ और यहाँ रहने पर क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि साइन का मान यहाँ है, ठीक है, यहाँ पर साइन का मान है तो इसके सामने वाली भुजा P हो गई, ठीक है, उसको डिवाइड किससे किया गया, A से। अगर साइन का मान यहाँ रहता, देखिए अगर साइन का मान यहाँ रहता तो इसके सामने वाली भुजा ये हो जाती और P का मान ये हो जाता और H तो H ही रहता, समझ रहे हैं बात को। अगर मान लीजिए कि कॉस का मान यहाँ रहता तो इसका जो B का, जो B होता है वो B इसका ये हो जाता, ठीक है, और अगर कॉस का मान यहाँ होता तो इसका B ये हो जाता,
समझ रहे हैं ना। अगर मान लेते हैं टेन, तो टेन अगर यहाँ, टेन यहाँ नहीं, यहाँ और यहाँ टेन नहीं रह सकता, टेन जब भी रहेगा तो 90 डिग्री पे ही रहता है, यानी कि समकोण पे ही टेन बनता है, जिसमें आपको पी का मान ये और बी का मान ये हो जाता है। तो इसमें तो चेंजिंग समझिए कि कॉट के बाद ही होता है, ठीक है। अगर उसी तरह से अगर सेक होता, मान लेते हैं सेक का मान यहाँ होता, यहाँ पर सेक छीटा का मान होता, तो देखिए एच तो एच ही रहता, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, पर बी का मान, बी का मान इसका ये रहता, ठीक है। अगर मान लीजिए कि सेक यहाँ रहता तो इसका बी का मान ये हो जाता, क्योंकि ये आधार पे डिपेंड करता है, सेक जो है अब आधार पे डिपेंड करता है, कोस भी है वो आधार पे डिपेंड करता है, तो वो जिसका जहाँ पर मान रहेगा उसके नीचे वाला ही चीज़ उसका क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। और जो एंगल है, जो एंगल है कर्ण, वो कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होगा, कर्ण के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि कर्ण जो है ये दोनों भुजाओं का स्क्वायर और उसके प्लस होकर ये आया हुआ होता है। तो ये नहीं कर सकते कि आप ये भुजा छोटा है या बड़ा है, या इसको पहचानने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, ये तुरंत पहचान में आ जाता है कि ये कर्ण है और ये सबसे बड़ी भुजा है। पहचान करनी है तो मेन साइन और कॉस की करनी है, और उसके जस्ट जो अपोजिट होते हैं कॉसेक और सेक, ये दोनों की पहचान करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो फिर से अगर ये साइन है तो इसके सामने वाली भुजा आपकी पी हो जाती है, अगर ये साइन है यानी कि ऊपर वाला भुजा साइन है तो इसके सामने वाली भुजा आपकी क्या हो जाएगी, पी है। अगर ये कॉस का मान है तो ये भुजा आपका बी हो जाएगा, अगर कॉस का मान ये है तो ये भुजा आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अगर समझ में पूरी तरह से आ गई है तो हम डायरेक्ट अब मैथ पे आते हैं। तो हमारा पहला ही मैथ कुछ ऐसा, देखिए अब मैथ को थोड़ा सा बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। हम जितना भी टेंथ में जो भी चैप्टर है, जो भी उसके मैथ हैं, जो बिहार बोर्ड में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, जो पूछते रहते हैं, वो सारे मैथ हम यहाँ पर डील करने वाले हैं। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन था आपको बहुत पहले से भी पता होगा कुछ कुछ चीज़ें, और जो नहीं पता था वो हमने देने की पूरी कोशिश की है। अब आपके रिविज़न पर डिपेंड करता है कि आप उसे कितना ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ठीक है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। तो त्रिभुज देखिए, बोर्ड में तो त्रिभुज बनाने के लिए पहले से ही एक शेप दिया होता, हम पहले ही बोले हैं कि बोर्ड चलाने का जो मेरा एक्सपीरियंस है थोड़ा नया है, इसलिए हम चीज़ों को थोड़ा सा लेट से समझ पा रहे हैं, कोई बात नहीं। चलिए एक त्रिभुज ले लिए हम, इसको थोड़ा सा धीरे धीरे और समझदारी से समझते हैं। एक त्रिभुज ले लिए, बोल रहा है कि त्रिभुज ए बी और सी है, ठीक है, जिसमें समकोण, समकोण के बारे में पहले ही बात की है कि 90 डिग्री पर जो खड़ा जो भुजा है वही समकोण वाली भुजा होती है या समकोण होती है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री पर यही है, ठीक है। तो ए और बी, ए बी जो है 24 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर, ए और बी। देखिए अगर आप मैथ बनाना चाहते हैं और सही से बनाना चाहते हैं तो जो जो मान है वो पहले मान को देते रहिए, जो मान आपको किताब बोला है वो मान उसको दीजिए, और क्या निकालने के लिए है वो भी देखिए, ठीक है। उसके बाद जब आप मैथ बनाइएगा तो बहुत ही आसानी से बन जाता है। अगर आप पढ़ते जा रहे हैं और सिर्फ यहीं पर दिमाग लगाते जा रहे हैं कि हाँ ये है वो है, तब तो आप भूल जाइए। आप कुछ मैथ बना लीजिएगा पर अधिकतर मैथ नहीं बनेगा, और अधिकतर मैथ बनाना चाहते हैं तो क्या मान दिया जा रहा है वो लिख लीजिए, और क्या निकालना है वो लिख लीजिए, कहाँ से किसको निकालेंगे तो कौन आएगा और किसके बाद कौन निकाला जाएगा, ये समझ गए तो समझिए कि मैथ रद्दी हो गया फिर। चलिए तो हम सबसे पहले क्या निकाल, मैथ क्या दिया हुआ था, ए और बी, और क्या दिया हुआ है बी और सी। चलिए बी और सी कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर। समझिए ए और बी का मान कितना है 24 सेंटीमीटर, बी और सी का मान कितना है 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, निकालना है एच को। देखें यहाँ पर पी का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ये हो गया पी का मान और ये हो गया आपका बी का मान। जो अब से हम सिर्फ संकेत का ही यूज करेंगे, ठीक है, बार बार ए बी बी सी ये सब लिखना हमें ठीक नहीं लग रहा, तो हम सिर्फ अब संकेत का ही यूज करेंगे, ठीक है। हमें निकालना क्या है, ए सी निकालना है, क्या निकालना है ए सी। एसी को क्या बोलते हैं संकेत में, यानी कर्ण को क्या बोला जाता है, कर्ण को बोला जाता है एच, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। तो ये मैथ तो बहुत ईजी है, ये मैथ तो बहुत ईजी है, क्योंकि इसको हम बिना त्रिकोणीय मिति छोड़िए हम इसको सिर्फ ज्यामितीय विधि से ही निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको हम सिर्फ ज्यामितीय विधि से ही क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाल के देखते हैं, ज्यामितीय विधि का जो सूत्र होता है एच का स्क्वायर, डायरेक्ट ही सूत्र होता है, एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये इसका सूत्र होता है, ठीक है। हम
इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चलिए अब हम क्या करते हैं, एज तो हमें निकालना है तो एज को तो छोड़ दीजिए, एज तो हमें निकालना ही है। चलिए पी का मान दिया हुआ है, जी हाँ पी का मान दिया हुआ है, चलिए पी का मान पुट करते हैं 24 का स्क्वायर प्लस, चलिए बी का मान भी दिया हुआ है 7, चलिए बी का मान भी क्या करते हैं पुट करते हैं। अब सबका क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है, एच का स्क्वायर देख लीजिए, एच का स्क्वायर चलिए 24 का स्क्वायर हमको क्या निकालना है, 24 का स्क्वायर। तो 24 का जो स्क्वायर होता है निकालने के लिए आपको पता होगा कि उसी संख्या को उसी संख्या से क्या किया जाता है, गुना किया जाता है, ठीक है। अगर स्क्वायर आपको नहीं निकालना, किसी भी स्क्वायर को शॉर्ट में कैसे निकाला जाता है, एक से लेकर 1000 तक में किसी का भी स्क्वायर निकालना हो शॉर्ट में निकालना, तो उसके लिए भी मेरे पास एक वीडियो है जो कि हम पहले ऑफलाइन पढ़ाते थे तो वहाँ पर बोर्ड पर ही पढ़ाते थे, भैट बोर्ड था, तो वहाँ पर वो वीडियो होगा, तो वो वीडियो तो हमको फिर से रिसाइकल करके स्मार्ट बोर्ड पर ही पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, वो भी हम वीडियो बना देंगे कभी। चलिए तो इसको हटाई दिए, मेरा जो आंसर आएगा कितना आएगा, 4×16 यानी कि 576 आएगा। पाँच सौ छिहत्तर हो गया, 24 का स्क्वायर कितना हो गया 576, ठीक है। थोड़ा सा आँख पे लो भर जाता है, 7×7=49, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो एच का स्क्वायर यहाँ पर लिखते चलिए, चलिए अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो 625 हो जाता है, कितना हो जाता है 9 और 6 कितना हो जाता है 5 यानी 625 आता है, ठीक है 625 हो गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एच पे स्क्वायर लगा हुआ है, अब पूछ क्या रहा है, सिर्फ एच का मान पूछ रहा है, सिर्फ एच का मान, ये चीज़ को ध्यान दीजिए, मैथ है, छोटी छोटी चीज़ें अगर आप ध्यान देते हैं तो बड़े बड़े मैथ बनाने में बहुत सुविधा हो जाती है। यहाँ पर पूछ रहा है सिर्फ एक गो एच निकालिए, और स्क्वायर का मतलब होता है दो गो एच, स्क्वायर का मतलब क्या होता है दो गो एच, अगर एक एच को हटाना चाहते हैं तो उसको रूट अंडर से क्या करते हैं, स्क्वायर को हटाया जाता है। चलिए तो यहाँ भी एक रूट अंडर बन गया, ठीक है। तो एच अगर आप, ये हो गया वर्ग, इसको बोलते हैं वर्ग, अगर 625 का वर्ग निकालिएगा, वर्गमूल निकालिएगा तो 25×25 आपका 625 निकल के आएगा, तो 25×25 625 निकल के आएगा, जो कि रूट के अंडर है, तो इसमें से 1/25 को हटा दीजिए तो बचा आंसर क्या, सिर्फ 25, क्या बचा आपका सिर्फ 25। तो मेरा आंसर कितना आ गया, यहाँ पर लिख सकते हैं कि चलिए हमको तो पता हो गया, तो आप हट जाइए, आप यहाँ लिखेंगे हम 25 सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम इस चीज़ को हटा देते हैं, अब त्रिकोणमितीय मान क्या पूछ रहा है कि साइन सी का मान बताइए, किसका मान बताइए, साइन सी का मान बताइए। तो चलिए यहाँ पर रखेंगे साइन सी, ये है कोण ए, ये है कोण सी, ये है कोण बी, ठीक है। तो अब यहाँ पर पूछ रहा है साइन सी यानी कि यहाँ साइन, अगर बोलता साइन ए तो समझिए यहाँ साइन है, तो साइन सी का मतलब क्या हुआ कि साइन का मतलब जानते हैं कि सामने वाली भुजा का मान पहले रखिए, तो सामने वाली भुजा का मान क्या है, पहले साइन का आप चाहते हैं तो साइन का सूत्र भी लिख सकते हैं, साइन का सूत्र होता है पी बटे एच, क्या होता है पी बटे एच, तो सामने वाली भुजा क्या हो गई आपकी 24, ठीक है। और एच का मान कितना है, अभी लाए हैं एच का मान कितना आया है, एच का मान यहाँ पुट कर दीजिए, एच का मान लाए हैं 25, कितना लाए हैं 25, तो 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, समझ में आ गया। साइन सी, साइन के सामने वाली भुजा आपकी पी जो होती है, और उसके बाद फिर कर्ण वाली भुजा, ठीक है। तो फार्मूला डायरेक्ट लगाइए, उतना दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है कि सामने ये वो होता है, पी बट एच, तब पी का मान रखिए और एच का मान रखिए। उसी तरह से पूछ रहा है किसका, कॉस सी का मान, यानी कि कॉस का मान भी यहाँ ही रख रहा है। देखिए अभी हम बात किए थे वो चीज़ यहाँ पर क्या कर रही है, टैली कर रही है सी, तो सी में जब भी बात करेगा तो हम यहाँ पर किसका किसको प्रयोग करते हैं, चलिए कॉस सी बराबर होता है बी बटे एच, यानी हमें बी का मान चाहिए, बी का मान क्या हो गया 7 हो गया, तो चलिए 7 रखिए। चलिए फिर एच का मान पूछ रहा है, तो एच का मान अभी निकाले हैं 25, तो 25 ही हो गया। उसी तरह से फिर बोल रहा है साइन ए का मान, हम बोले थे कि अगर यहाँ साइन रखेगा तो इसके सामने वाली भुजा पी हो जाएगी, अगर यहाँ साइन रखेगा तो इसके सामने वाली भुजा पी हो जाएगी। तो चलिए अब ये बोल रहा है ना कि साइन का जो मान है ना वो यहाँ रखिए ए के पास, किसके एंगल के पास, ए के पास, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई पी हो गई। तो चलिए साइन ए बराबर, चलिए तो साइन ए बराबर क्या हो गया पी, पी का मान तो अब 7 हो गया है, समझ रहे हैं। और एच के मान में तो कोई डिफरेंस अभी हुआ नहीं, क्योंकि उसके साथ छेड़छाड़ होता नहीं है, तो इसको बोलेंगे
पहले सूत्र के हिसाब से तो सूत्र तो होता है पी बटे एच ही, मगर यहाँ पर पी का मान क्या हो गया, बदल गया। तो यहाँ पर ऊपर हो गया 7 और नीचे हो गया आपका 25। ठीक है, समझ में आ रहा। अब यहाँ पर कॉस ए, जो कॉस पहले सी पे रखा था, अब वो कॉस भी कहाँ रख दिया है, यहीं पर ही रख दिया। तो उसके हिसाब से पहले जो ई कॉस का आधार क्या बनता था, 7, अब ई कॉस का जो आधार बनेगा वो बनेगा क्या, 24। चलिए तो यहाँ पर लिखिए कॉस ए बराबर बी बटे एच, इसका मान है, जबकि इसका बी अब ये नहीं रहा, इसका बी क्या हो गया, 24 हो गया। चलिए तो लिखिए 24 बटे कर्ण, कर्ण का मान चेंज नहीं हुआ है, कर्ण को अभी कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ा होता। तो इस तरह से हम पहला मैथ बहुत ही आसानी से क्या किए, बना लिए। इसी तरह से सारा मैथ बनते चला जाएगा। चलिए अब हम उठाते हैं दूसरा मैथ। चलिए ये